नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूँ। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है एनएनपी, जीएनपी, एनडीपी, जीडीपी आदि राष्ट्रीय आय संबंधित समुच्चय का हम निर्धारण करेंगे और उनकी परिभाषा बनाना सीखेंगे। आप देख लें, जी बराबर हमने लिया है ग्रॉस, एन फर्स्ट, जो फर्स्ट एन है, जैसे एनएनपी में पहला एन है तो उसका मतलब होगा नेट, और दूसरे एन का मतलब हमने लिया है नेशनल, राष्ट्रीय। डी का मतलब हमने लिया है डोमेस्टिक, एमपी का मतलब हमने लिया है मार्केट प्राइस, एफसी का मतलब हमने लिया है फैक्टर कॉस्ट, और पी का मतलब हमने लिया है प्रोडक्ट। तो जीएनपी एमपी की परिभाषा क्या बनेगी? इस परिभाषा को ध्यान दें दोस्तों, इसके अक्षरों में इसकी परिभाषा है। जैसे जी जब शब्द लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? सकल। एन लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय। एमपी लिखा हुआ है तब हम क्या लिखेंगे? बाजार कीमत। और एफसी लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे? साधन लागत। बाकी सारे शब्द ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, केवल हमें कौन कौन से शब्द चेंज करने हैं। जी शब्द को चेंज करना है समय आने पर, एन शब्द को चेंज करना है, और एमपी को। इन तीन प्रमुख सूत्रों के शब्द ही चेंज होंगे और पूरी परिभाषा हमारी ऐसे के ऐसे रहेगी। जैसे जीएनपी एमपी की परिभाषा क्या होगी? एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के सकल बाजार मूल्य के योगफल को जीएनपी एमपी कहते हैं। अगर यही परिभाषा जीएनपी एफसी की लिखनी हो तो एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल साधन लागत के योगफल को जीएनपी एफसी कहते हैं। जीडीपी एमपी की लिखनी हो तो घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल बाजार मूल्यों के योगफल को जीडीपी एमपी कहते हैं। यहाँ हमने घरेलू अर्थव्यवस्था शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि बीच में डी आया था डोमेस्टिक, इसलिए। फिर अगला है जीडीपी एफसी। घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल साधन लागत के योगफल को जीडीपी एफसी कहते हैं। फिर एनएनपी एमपी की परिभाषा, एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध बाजार मूल्य के योगफल को एनएनपी एमपी कहते हैं। एनएनपी एफसी, एक देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध साधन लागत के योगफल को एनएनपी एफसी राष्ट्रीय आय कहते हैं। एनडीपी एमपी, घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध बाजार मूल्य के योगफल को जीडीपी एमपी कहते हैं। और लास्ट परिभाषा एनडीपीएफसी की, घरेलू आय की, घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं या सेवाओं के शुद्ध साधन लागत के योगफल को एनडीपीएफसी कहते हैं। तो दोस्तों, आपको कोई भी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल उसकी टर्मिनोलॉजी ध्यान रखें और उसके आधार पर उसकी परिभाषा बनाते जाएं। परिभाषा याद न करें बल्कि उसको बनाना सीखें कि कैसे इन अक्षरों से परिभाषा बनाई जा सकती है। थैंक यू।